एक स्थान पर एक दादी रहती थी। दादी, उसका घर, उसका आंगन, सब कुछ हमेशा साफ सुथरा रखती थी। वो अपने घर के आसपास फूल पौधे लगा के उनको साफ सुथरा रखती थी और सुंदर बना के रखती थी। दादी जो पक्षियों और पौधों से प्यार करती थी, पेड़ की शाखाओं पर बैठे कौवों को वो हमेशा डांटती रहती थी और भगाती रहती थी। शह, मुझे इन कौवों ने हरा दिया। जब भी आप इन्हें देखेंगे झुंझलाहट ही होगी। जाओ कौवो, जाओ, परेशान कर दिया। आखिर ये दादी इन बेचारे कौवों को क्यों भगाती रहती है? दादी को शायद कौवे पसंद नहीं है। हाँ, पर किसी को भी कम नहीं आंकना चाहिए, ये अच्छी बात नहीं है। एक दिन दादी बहुत बीमार हो गई और बिस्तर पर पड़ी थी। कमरे में बिस्तर पर लेटी दादी खिड़की के माध्यम से अपने आंगन में पड़े हुए पत्तियों और शाखाओं को देखकर परेशान हो जाती हैं। अरे नहीं, मेरा घर और मेरा आंगन कितना गंदा पड़ा है। अब मैं क्या करूं? हाँ, अब जब मैं ठीक हो जाऊंगी तभी ये सब साफ करूंगी। और मेरी मदद करने के लिए भी कोई नहीं है यहाँ। घर के आंगन में एक पेड़ की शाखा पर हमेशा की तरह बैठे कौवों ने दादी का घर और परिवेश देखा जो इतना गंदा पड़ा हुआ था, तो उन्हें कुछ शक हुआ। दादी यहाँ नहीं है। दादी को क्या हुआ है? आज घर का आंगन भी साफ नहीं है। बात तो सही कही। दादी जो हमेशा इसे साफ रखती है, पता नहीं उन्हें क्या हो गया है। आप बीमार है या कुछ और? दादी माँ कहीं गई है क्या? तो फिर हम मिलकर यह आंगन साफ करें क्या? हम ऐसा कर सकते हैं। अगर हम ऐसा करें तो क्या दादी को पसंद आएगा? मैं तो हमेशा डांटा जाता है ना। अच्छा, दादी ने ऐसा कुछ और नहीं सोचा था। चलो हम आंगन साफ करते हैं, हम सब मिलकर दादी को खुश करते हैं। ये जो कर रहे हैं क्या वो काफी नहीं? दादी के डांट सुन के हम सफाई करते हैं तभी हमें खुशी मिलती है। लेकिन वो कर क्या रहे हैं? क्या ये अच्छी बात है? किसी भी बात पर दादी उन्हें जो डांटती है, ये डांटना उनको पसंद है क्या? चलो पूछ के आते हैं दोस्त। ठीक है, चलो देखते हैं। कौवे, दादी अपने खिड़की के माध्यम से आंगन की सफाई को देखकर सोचने लगती हैं कि मैंने कौवों को क्यों डांटा। हे भगवान, इन बेचारे कौवों को मैं कितना डांटती और भगाती रहती थी। इन चिल्लाने वाले कौवों के पास इतना अच्छा दिल होता है, ये तो मैं नहीं जानती थी। अरे मेरे बच्चों, जाओ मत, मत जाओ, डरो नहीं। अब मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूंगी। क्या तुमने ये देखा? ये मालपुआ है, ये तुम्हारे लिए है।
चलो भी आ जाओ, ये सब तुम्हारे लिए है, पेट भर के खाओ। आ जाओ बच्चों। दादी ने सबके लिए घी वाला मालपुआ परोसा और कौवे भी खुश होकर वो मालपुआ खाने लगे। और तब से दादी और कौवों के बीच बहुत ही गहरा दोस्ताना हो गया। अब दादी उनके लिए खाना बनाती थी और वो प्यार से रोज खाने जाते थे।